दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम बिना पुलिस के क्या शांति की कल्पना कर सकते हैं? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों, अगर पुलिस नहीं होगी तो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गुंडागर्दी इतने बढ़ जाएंगे कि एक आम इंसान अपने जीने की कल्पना तक छोड़ देगा। चोरी चकारी, सीना जोरी सब आम बात हो जाएगी। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी हमारी रक्षा करता है। जिस तरह से सेना का जवान बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है, उसी तरह से पुलिस का जवान हमारे घर के अंदर, हमारे शहर में, हमारे गांव में हमारी रक्षा करता है। लेकिन किसी एक की गलती के पीछे हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एक आम इंसान का परिवार उसका इंतजार करता है, उसी तरह से एक पुलिस वाले का परिवार भी उसका इंतजार करता है। लेकिन जब वो नहीं पहुंचता, तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीतती होगी। हेलो। हाँ गौरी, कैसी हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम ये बताओ, आज इतनी रात को तुम्हें कैसे याद आ गई? दिन भर तो आप बिजी रहते हो, इसलिए अभी कॉल किया। सुनो ना, आपसे ना एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आप मुझे और हर्ष से कितना प्यार करते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? देखो गौरी, तुम और हर्ष, तुम दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? घर में सब ठीक तो है ना? घर पे तो सब ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और COVID-19 की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। राजवीर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ये जॉब छोड़ दो प्लीज। आपका इस तरह से रोज बाहर जाना, मुझे डर लगता है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और हर्ष का क्या होगा? इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो? मैं कुछ नहीं जानती, बस आप ये जॉब छोड़ दो। कमाल करती हो यार गौरी तुम। मैंने शादी से पहले ही तुम्हें बताया था कि मेरी जिंदगी आम लोगों की तरह नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के लिए वो रास्ता चुना है जो दूसरों की हिफाजत करता है। तुम खुद ही सोचो, अगर हर इंस्पेक्टर या हर पुलिस वाला, हर कांस्टेबल अपनी बीवी की बात मानकर घर में बैठ जाए तो क्या होगा? इस पूरी दुनिया की और देश की हिफाजत कौन करेगा? और ये कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया में इस कदर फैल चुका है कि इसका इलाज भी संभव नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है लॉकडाउन। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्यार से समझाने के बाद में सिर्फ पुलिस का डंडा ही काम आता है, क्योंकि वो सिर्फ डंडे की भाषा समझते हैं। राजवीर, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस आप ये जॉब छोड़ दो। इतना करने के बाद भी लोगों का बर्ताव देखा, किस तरह से पुलिस वाले को गाली देते हैं और कभी कभी तो उनके ऊपर हाथ भी उठाते हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता गौरी, हम पुलिस वालों की जिंदगी होती ही ऐसी है। हम अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर घूमते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस वालों को नींद नहीं आती? क्या उनका दिल नहीं करता अपने बच्चों से प्यार करने के लिए, अपने परिवार के साथ रहने के लिए, अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए? लेकिन नहीं, आज वो लोग गली मोहल्लों में तैनात किए गए हैं। आज वो मोहल्लों में बैठे हुए हैं, गलियों के अंदर बैठे हुए हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ सबकी हिफाजत के लिए। गौरी, मेरे लिए मेरा फर्ज बहुत मायने रखता है और फर्ज के आगे मैं किसी को भी नहीं आने देता। मुझे माफ कर देना गौरी, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। जिस तरह से मैं तुमसे और हर्ष से प्यार करता हूं, उसी तरह से मैं अपने वतन से भी प्यार करता हूं। और मैं अपने वतन के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारी बातें मानकर घर में बैठ जाऊं, अपने वतन से गद्दारी कर लूं, ये मेरे खून में नहीं। मुझे मेरे वतन से बहुत मोहब्बत है। मैं अपने वतन के लिए अपने लहू का एक एक कतरा तक बहा सकता हूँ। I'm sorry, राजवीर, थोड़े समय के लिए मैं मतलबी हो गई थी। मुझे गर्व है कि आप मेरे पति हैं, जो अपनी फैमिली के साथ साथ
वतन पे प्यार करते हैं। बस राजवीर, मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो लोग पुलिस वालों को गलत समझते हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि पुलिस वाले उनको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उनकी हिफाजत करने के लिए होते हैं। थैंक यू गोरी, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज भी तुम मेरे साथ हो। हर्ष को मेरा प्यार देना। आप अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ पे हर्ष का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन हाँ, इस कोरोना को हरा कर आऊंगा। हाँ राजू, आई लव यू। और हाँ, सॉरी वंस अगेन। ओके बाय राजू। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने लॉकडाउन को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इंस्पेक्टर राजवीर को भी भेजा गया, लेकिन भीड़ की आड़ लेकर कुछ आपराधिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी। आज उनका परिवार, अब आप ही अंदाज़ा लगाइए इंस्पेक्टर राजवीर के परिवार का क्या हुआ होगा।